चलिए बताइए क्या हम सब लोग लाइव हो चुके हैं, फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो। ओके आई थिंक हम लोग लाइव हो चुके हैं, आ जाइए जल्दी से सब लोग फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो ओके नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून भाई सबको मेरा। ठीक है तो पहले आप सब लोग थोड़ा सेशन को शेयर कर दो जल्दी से, फटाफट जल्दी से एक बार शेयर कर दो। ठीक है चलो तो नमस्कार, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSC हॉलीवुड पे। कैसे भाई सब लोग, आवाज ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो बता दो। मैं आपको बता दूं जेप से ग्रुप डी के एग्जाम डेट अनाउंस हुई है, मैं आपको ये भी बता दूं ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो जुलाई स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो जुलाई स्टार्टिंग में ग्रुप डी की एग्जाम डेट है, तो मेरे पास हम लोग के पास लगभग 3 महीने का समय है, तो कुछ तैयारी को इतना बेहतर बनाइए कि ये 3 महीने में आपका जो स्कोर होना चाहिए ना ग्रुप डी में वो दरअसल 70+ होना चाहिए, यानी 70 से 80 अगर आप ग्रुप डी में स्कोर करते हैं तो बढ़िया। मैं फिर से एक बात कहता हूं, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हुआ करे एग्जाम लेटर, कभी किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको जरूर मोटिवेट करूंगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इस बार आपके एग्जाम में जो टॉप के 8000 स्टूडेंट हो ना वो बस मेरे ही पढ़ाए हुए हों, मतलब उनके ये 45 क्वेश्चन की जो तैयारी है ना, बस ये 45 क्वेश्चन जो है ना ये कह सकते हो इसी क्लास से फंसे। ओके चलो तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, पहले एक बार सब लोग सेशन को शेयर कर दो। आज इवेंट नहीं लगा था गुरुदेव, लगा था भैया, कैसी बात करते हैं, लगा था दोस्त, ऐसा हो नहीं सकता कि इवेंट ना लगा हो, है ना, इवेंट आज लगा था। ओके तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं टीजीएल का सिलेक्शन बैच स्टार्ट हो चुका है, अगर आपने इसे नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कीजिए और कूपन कोड लगाइए योगी सर। और मैं आपको बता दूं जैसे आप ये योगी सर कूपन कोड लगाएंगे तो इस टाइम पे ये डिस्काउंट जो आपको 30% दिख रहा है ना ये उचक के जो है 50% तक पहुंच जाएगा। मतलब अगर आप जो है ओली बोर्ड का किसी तरह का मॉक टेस्ट भी लेना चाहते हैं और सोच रहा हूं, है ना, तो मॉक टेस्ट जरूर लीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट का एनालिसिस ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो 30% डिस्काउंट है ये समय दरअसल 50% मिल जाएगा आपको अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं यूडी सर, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा दोस्त। मॉक टेस्ट जरूर लीजिए क्योंकि मॉक टेस्ट मैं बार बार बोलता हूं बिना मॉक टेस्ट के एनालिसिस के आप एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, वो प्रेशर ही होता है आपका मॉक टेस्ट। ठीक है ना, ओके चलिए आगे बढ़ा जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आज का पहला क्वेश्चन बिल्कुल मैं इस तरह की कुछ चीजें प्लान करने वाला हूं, 100 दिन का महाप्लान मास्टर प्लान, इस तरीके से कुछ चीजें लेके आने वाला हूं। चलो पहला क्वेश्चन देखिए, चलो भाई आज मैंने जो क्वेश्चन लिए थोड़ा अलग हटके लिए, मतलब बहुत सारे आज आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत मजा आएगा, देख लीजिए जाए। ठीक है तो चलिए फिर जल्दी से पढ़िए और बताइए इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए आपके सामने, जवाब दो भाई सब लोग जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा कह सकते हो बिल्कुल पढ़िए जल्दी से और बताइए इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। नेटवर्क कंप्यूटर में या कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़े जाने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं, है ना, तो जब भी कभी कंप्यूटर को जोड़ने की व्यवस्था है, समझिए बात को, तो कंप्यूटर को जोड़ने की व्यवस्था कहलाती है टोपोलॉजी। आपने नाम भी सुना होगा, कई सारे तरह की टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। तो टोपोलॉजी कंप्यूटर को जोड़ने की एक व्यवस्था होती है, जब हम लोग किसी कंपनी में काम करते हैं 10-15 कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं तो धारणा वहां पर कंप्यूटर को जोड़ने की व्यवस्था टोपोलॉजी चलाती, सर्वर नहीं चलाती, ज्यादातर लोगों ने सर्वर आंसर दिया था, गलत है ना। तो आज बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे, देखिए ना मजा आएगा आज, बताइए कंप्यूटर के संबंध में, बताइए OSI, थोड़ा इसको ट्रैक कर लेना, OIS नहीं होता, OSI होता है, इंग्लिश सही लिखी हुई इसकी, है ना, हाँ बताइए OSI का मतलब बताइए जल्दी से, इसका आंसर दीजिए कंप्यूटर के संबंध में। हाँ धन्यवाद, सही है, थोड़ा सा खराब हुई थी लेकिन फिलहाल सही है। ठीक है देखो OSI का मतलब भी याद रखो, इसी का एक और फॉर्म पूछा जाता है TCP, ठीक है,
तो टीसीपी का मैं पूरा नाम बता देता हूं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये रखना टीसीपी का पूरा नाम है प्रोटोकॉल। अगर ओएसआई का पूरा नाम पूछा जाए तो रखना ओएसआई का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये कह सकते हो ओएसआई का पूरा नाम है। और नंबर डी, बिल्कुल दीपा दास तुम्हारा आंसर सही है, अभिनंदन तुम्हारा आंसर सही है, बस वेरी गुड सत्यारंजन तुम्हारा आंसर सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का उत्पाद है, बताइए। मैं आपको बता दूं ये जो संस्था है एप्पल है, एचपी है, माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम है, इन सबकी स्थापना की डेट तुम लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की तो हमेशा अक्सर पूछी जाती है 1975 में ये कंपनी बनाई गई थी, एप्पल की हमेशा पूछी जाती है, दारकना एप्पल जो है 1976 में आया था 1976, जबकि आईबीएम की बात करते हैं 1911 और एचपी की बात करते हैं दारकना 1978। ये सारी वो कंपनियां हैं, नामी ग्रामी कंपनियां, इनके सन जरूर याद रखिए। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये दारकना माइक्रोसॉफ्ट की देन है, करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ माइक्रोसॉफ्ट के साथ, सन याद कर लेना भैया सारे के, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसको पढ़िए, बताइए संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किस सरकार का या किसका होता है, बताइए। मतलब सीधा सीधा इन शॉर्ट तुमसे ये पूछा जा रहा है कि जो हमारे पंचायत के चुनाव होते हैं उसको कौन कंडक्ट कराता है ना, तो बताना है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, इसका आंसर बताना है आपको, बताइए। पंचायत का आपको आंसर बताना है, रेशमा मरियम का नाम जरूर याद रखिएगा, रेशमा मरियम जो है अभी हाल में ही दान रखिएगा, सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है, सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष रेशमा मरियम बनी है। अब पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए कोई पूछे कि मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष, तो जब इनकी 21 वर्ष पूरा हुआ उसके 2-3 दिनों बाद ही ये अपनी पंचायत अध्यक्ष बन चुकी है ना, तो ये सही आंसर जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। तो जो राज्य चुनाव आयोग है ना वही हमारा कह सकते हो पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है भैया। हाँ बिल्कुल, रेशमा मरियम का नाम जरूर याद रखिएगा, और किस राज्य की है, अगर राज्य भी पूछा जाए तो राज्य याद रखना केरल राज्य की है, सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए संसद के सूचना अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन को कब स्वीकृति मिली थी, बताइए राइट टू इंफॉर्मेशन को कब स्वीकृति मिली थी, इसका आंसर दीजिए भाई सब लोग, बिल्कुल प्रमोद मीना, कुमार संजय, अभिनंदन, मुन्ना कुमार, यस वेरी गुड अभिषेक कुमार, यस यस बिल्कुल, स्टेट सिलेक्शन कमीशन एकदम सही है, इलेक्शन कमीशन एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखो राइट टू इंफॉर्मेशन इन्होंने 2005 सारे ऑप्शन में दिया है, तो सबको ये तो पता होगा 2005 है, देखिए 2005 में कौन सा है, तो दारफ ये रहा 15 जून 2005 को दारफना स्वीकृति मिली थी, इसकी डेट जरूर याद रखिएगा 15 जून 2005। बिल्कुल दीपा दास तुम्हारा सही है, अभिनंदन तुम्हारा सही है, नीरज कुमार तुम्हारा सही है, गोपाल पाल तुम्हारा सही है, तो 15 जून 2005 याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए कौन सा प्राधिकरण भारतीय या भारत के उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है, बताइए इनमें से कौन है जो उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है, चुनाव आयोग है, राष्ट्रपति की उपस्थिति में राज्यसभा का उपाध्यक्ष है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश है, बताओ जल्दी बताइए। ओके जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखो आपको बता दें जब भी कभी उपराष्ट्रपति आए तो 63 याद रखिए, 64 याद रखिए, 65 याद रखिए, 66 याद रखिए, मैं आपको बता दू आपका 63 में है भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है, उसके बाद 64 में है राज्यसभा के वो पदेन सभापति होंगे, 65 में है आपका कह सकते हो उनका कार्यकाल कार्यकाल, और 66 में दारकना उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना, याद रहेगा
स्टैट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, स्टैट आंसर जाएगा इलेक्शन कमीशन द्वारा ऑप्शन नंबर 38 अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 66 अनुच्छेद 66 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं, बताइए भारतीय संविधान में संशोधन लाने की कितनी पद्धतियां हैं, ठीक है। मैंने आपको यह तो बता रखा है कि संविधान का जो संशोधन है वो अनुच्छेद 368 है और किस भाग में है, तो कह देना भाग 20 में है, और कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका। देखिए पद्धतियां पूछी जाए तो तीन पद्धतियां होती है, एक होता है साधारण मत और एक होता है विशेष मत और तीसरा होता है दोनों को मिला के, तो सही आंसर जो है तीन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आज सवाल थोड़ा वैसे रहेंगे, अजीब से रहेंगे, इसलिए ध्यान से देते रहिए आंसर। चलो बताओ इसका आंसर, निम्नलिखित में कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति घोषित करता है, बताइए निम्नलिखित में कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति घोषित करता है, ओके। थोड़ा एक बार सब लोग लाइक करते रहिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो भाई फटाफट। तो अगर बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, ये हमारा 352 में आएगा, राज्य आपातकाल 356 में आएगा और उसके बाद दरअसल वित्तीय आपातकाल ये 360 में आएगा। अब तो अनुच्छेद सबसे पहले याद होना चाहिए और ये सारे के सारे जो आपातकाल है वो राष्ट्रपति ही लागू करते हैं। हाँ वो अलग बात है कि सिफारिश अलग अलग की होती है, जैसे कि राज्य आपातकाल गवर्नर की सिफारिश पे लागू होता है, लेकिन लागू करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का है, याद रखिएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पादप कोशिका में यानी प्लांट कोशिका में बताइए कौन सी विशेषता होती है, मतलब इनमें से कौन है जो प्लांट सेल का एक कह सकते हो कैरेक्टर स्टेट है, बताइए इनमें से कौन प्लांट सेल का एक कैरेक्टर स्टेट है, बताओ। ओके थोड़ा एक बार सब लोग लाइक वाइक करते रहिए, अभिनंदन मुन्ना कुमार प्रमोद एस्टे राज एस्टे जा वेरी गुड, सब लोग लाइक कर दीजिए, बताइए प्लांट सेल में कभी कभी प्लांट सेल की बात करेंगे जो विशेषता है, विशेषता में आप केंद्रक नहीं बता सकते क्योंकि केंद्रक प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होता है, गॉल्जी बॉडी दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, ठीक है। लेकिन जो लार्ज रिक्तिकाएं होती है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लांट में होती है, ठीक है, और इसी से दर्पणा लार्ज रिक्तिकाओं की मदद से ही हमारा कह सकते कोशिकी श्वसन भी होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, याद रखिएगा। ओ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10वां बताइए, वसा के पाचन में सहयोग करने वाला लाइपेज एंजाइम कहां से निकलता है, लाइपेज एंजाइम कहां से निकलता है, तीन एंजाइम याद रखना है आप लोगों को हमेशा, एक लाइपेज याद रखना है, एक आपको एमाइलेज याद रखना है, एमाइलेज याद रखना है और एक याद रखना है आपको ट्रिप्सिन, एक याद रखना है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है भैया, ट्रिप्सिन एंजाइम दरअसल प्रोटीन का पाचन करता है, बोलो भाई सबको पता है ना। और एमाइलेज किसका करता है, सर एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन लाइपेज किसका करता है, वसा का, जिसको आप फैट भी कहते हो या फिर हम लोग इसको लिपिड्स के नाम से भी जानते हैं, लिपिड्स। अब ये तीनों चीजें कहां से निकलती है, ये तीनों चीजें निकलती है तुम्हारे पैनक्रियाटिक जूस से, मतलब इस तीनों चीजों को बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जो कि पैनक्रियास से निकलता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है भैया सवाल का, सारे के मैंने आपको पाचन भी लिखते दिखा दिए कि सभी के पाचन जो है कौन करता है, ओके। चलो बताइए जल्दी समझ में आ गया, चलो तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, पैनक्रियाटिक पैनक्रियास। इसको बताइए, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति वस्तुओं को नहीं देख पाता, आपको बताना है निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति वस्तुओं को नहीं देख पाता, कौन सी व्यक्ति वस्तु नहीं देख पाता, सुनो निकट जो दृष्टि दोष होता है ना, निकट दृष्टि दोष, अरे दरअसल इसको एक और नाम से जाना जाता है मायोपिया, मायोपिया इसी को हम लोग मायोपिया भी कहते हैं। पता है इसमें क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, इसमें यह होता है आपका जो तुम्हारा आंखें होती हैं, आंखों में जो प्रतिबिंब तुम्हारे रेटना पे पड़ना चाहिए वो रेटना पे प्रतिबिंब नहीं बनता, यानी इमेज ऐसी आती है
और आपकी इमेज रेटना से आगे बन जाती है, ये रहा रेटना। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ऐसा लेंस लगाना पड़ता है जो फैला दे, और फैलाने का काम जो है वो हमारे कॉन्केव लेंस का होता है। तो जब कॉन्केव लेंस ऐसे लगाते हैं ना, तो वो प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा फैला देता है, और फैला देने के बाद फिर जाके कहीं हमारा रेटना पे इमेज बन जाती है। तो निकट दृष्टि दोष इसलिए बोला जाता है क्योंकि रेटना के आगे यानी निकट आपका इमेज बनती है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती दोस्त। और पूछा जाए कि बताइए कौन से लेंस से दूर होती है ये दो आपका कह सकते हो बीमारी, कॉन्केव लेंस से, कॉन्केव लेंस से। ठीक है, तो लंबी दूरी की यानी लॉन्गेड डिस्टेंस की वस्तु नहीं देख पाओगे निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर 20 का सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, निकट दृष्टि से पीड़ित वस्तुओं को नहीं देख सकता। अरे आपने डी क्यों बताया भैया, क्या ये सवाल सबका कॉमन क्वेश्चन था, इतने सारे लोगों ने इसे गलत बताया। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति नहीं देख सकता, किसे नहीं देख सकता, निकट की वस्तु ओटो नहीं, हमेशा दूर की वस्तु ओटो यार, इतने सारे लोगों ने गलत बताया। इसको आंसर है क्या, मतलब मुझे दो तीन बार ये क्वेश्चन लेके आना पड़ेगा। ठीक है बताइए, पेंडल किसको जोड़ता है बताइए। चलो दो चीजें याद रखो, थोड़ा एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए भाई सब लोग, बिल्कुल कुछ लोग सही था। एक तो याद रखो लिगामेंट, एक याद रखिए लिगामेंट। तो लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन टू बोन जोड़ता है, यानी हड्डी टू हड्डी से। एक होता है टेंडन, जो टेंडन होता है दरकना वो बोन टू मसल जोड़ता है, हड्डी को मसल से। ओके, उन्होंने क्या पूछा है, टेंडन के बारे पूछा है, तो मसल टू बोन सही आंसर जाएगा, मसल टू बोन। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आप लोगों को यहां पर एक टर्म याद होना चाहिए, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है सर, ऑस्टियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, है ना। मायोलॉजी, मायोलॉजी इज स्टडी ऑफ मसल्स, मायोलॉजी इज स्टडी ऑफ मसल्स, मसल्स का जो अध्ययन होता है सर वो मायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो टेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, थोड़ा एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई जल्दी से, एक बार पहले सेशन को शेयर कर दो ताकि जो है जल्दी से 100 का आंकड़ा क्रॉस हो जाए, थोड़ा बड़े एक बार लाइक कर दो। अमित बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विकास नमस्कार, नमस्कार विकास। चलिए बताइए, सत्यरंजन विडाल टेस्ट बताइए, इनमें से किसका उपचार किया जाता है विडाल टेस्ट द्वारा। तो कल भी मैंने वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया था, जब भी कभी विडाल टेस्ट आ जाए तो हमारा जो बीमारी इससे सही की जाएगी वो होगी टाइफाइड। तो टाइफाइड का पता दर्शना विडाल टेस्ट से लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। बताइए मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं बताओ, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो जो तुम्हारी फिश वर्ड होती है फिश, उनके हृदय में दरकना हमेशा दो चैंबर होते हैं। लेकिन अगर यही उभयचर होता, उभयचर, उभयचर के हृदय में दरकना तीन चैंबर होते हैं। लेकिन अगर यही तुम्हारे स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी के हृदय में चार चैंबर होते हैं। मधुमक्खी होता, मधुमक्खी एक अपवाद में आती है दरकना, इसके हृदय में पांच चैंबर होते हैं। अगर यही तुम्हारा कॉकरोच होता तो कॉकरोच के हट में दरकना 13 चैंबर होते हैं। ठीक है, अब कुछ इसमें अपवाद भी आते हैं, जैसे मगरमच्छ, मगरमच्छ एक रेप्टाइल्स होता है लेकिन मगरमच्छ के हृदय में चार चैंबर्स होते हैं, है ना। चलो अच्छा, पक्षी वर्ड भी पूछा जाता आपसे, अगर पक्षी वर्ड पूछा जाता तो पक्षी वर्ड में भी आपको चार बताने हैं। अब इन्होंने मछली वर्ड पूछा है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, केवल दो चैंबर, केवल दो चैंबर इसका राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए निम्न में से कौन किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करता। आपको बताना इनमें से कौन जो है किसी प्रकार की ऊर्जा को प्रदान नहीं करता, बराबर जल्दी बताइए। देखो मैंने अभी पाचन के बारे में आप लोगों को बताया है ना, तो मैंने अभी अभी बताया है एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, याद कर लो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है ना। फिर इसके बाद लाइपेज, लाइपेज जो है वो वसा का पाचन करता है,
और प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन करते हैं ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम्स। अरे विटामिन का पाचन नहीं होता, मैं आपको बता दूं पहले, विटामिन जो है आपकी बॉडी में स्टोर भी होते हैं, है ना। विटामिन कह सकते हो पाचन नहीं होता, इसका मतलब विटामिन किसी तरह की कोई ऊर्जा नहीं देता। तो शरीर में विटामिन कभी कोई ऊर्जा नहीं देता, विटामिन सिर्फ और सिर्फ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है दोस्त। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 इसको पढ़िए। आहा, अब ये देखो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी है, बताइए इनमें से कौन हमारा अंडा देने वाला स्तनधारी है, बताइए थोड़ा एक बार सब लोग लाइक करते रहिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट जल्दी से लाइक कर दो, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से एक बार दबा के शेयर करो। बताओ इनमें से कौन हमारा अंडा देने वाला स्तनधारी है, व्हेल, व्हेल अंडा देता है, किसने कह दिया भैया व्हेल अंडा देता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा स्पिनी आंट ईटर, ये एक कह सकते हो कीटी को खाने वाला एक ऐसा स्तनधारी होता है जो हमारा सिर्फ अंडे देता है, ठीक है। तो बाकी चमगादड़ है, व्हेल है, ये सब हमारे कह सकते हो कि अंडे नहीं देते, ये डायरेक्ट जो है कह सकते हो उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर देते, अंडे देने वाले का आंसर दर्शना ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी एटीडन, याद रखिए रेस्टो। चलो बताओ क्या आंसर बताइए, निम्नलिखित में कौन सा जानवर सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाला है, बताओ निम्नलिखित में कौन सा आंसर जो है सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाला है, बताओ बताओ भाई थोड़ा भाई लाइक करते रहिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट जल्दी दबा के लाइक करो, फ्रॉम द लाइक शेयर बताइए। मैंने कई बार आपको बताया है कि सबसे ज्यादा गर्म खून अगर पूछा जाए किसका होता है तो आपका आंसर देना बकरी, और बकरी का खून सबसे ज्यादा गर्म होने की वजह से ही दर्शना सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाला जो जानवर बन जाएगा वो बकरी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बोलिए बात सबको क्लियर है ना, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, डेंटल फॉर्मूला आप सबको लिखा हुआ है ना, वैसे मैं कई बार डेंटल फॉर्मूला बता भी चुका हूं आप लोगों को, डेंटल फॉर्मूला लिखा हुआ है 2-1-2-3, अगर ना भी लिखा होता तो भी आंसर दे देते, ठीक है बताइए। तो मनुष्य में कुल आपको इंसीजर दांतों की संख्या बतानी है, इंसीजर, तो सबसे पहले क्या आता है सर, सबसे पहले इंसीजर आता है, फिर टेनिन आता है, इस तरह से आता है ना, इंसीजर अगर दांतों की संख्या पूछी जाए तो 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर जाएगा 8 के साथ, अच्छा इन्होंने 8-2 आंसर में दे दिया यार, कोई बात नहीं, अब एक काम करो इसको कुछ और बना लो, इसको 2 बना लो सिर्फ, है ना, तो सही आंसर 8 जाएगा, पहले इंसीजर फिर टेनिन, है ना बिल्कुल। तो इंसीजर के लिए अब यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक में, तो संख्या 8, 4, 8, 12, यानी इंसीजर की संख्या हो जाएगी तुम्हारी 8, टेनिन की संख्या 4, प्रीमोलर की संख्या, प्रीमोलर की संख्या 8 और मोलर की संख्या 12, इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्टार कर दीजिए भाई जल्दी से सब लोग, निम्नलिखित में कौन दांत का एक भाग है, आपको बताना है निम्नलिखित में कौन दांत का एक भाग है, बताइए वेरी गुड ओके। थोड़ा एक बार सब लोग सेशन को शेयर करते रहिए भाई, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया फटाफट दबा के शेयर करो पहले, बिल्कुल 32+20=52, पूरी लाइफ में एकदम सही बताया, 52 दांत निकलते हैं, 20 शुरुआत में निकलते हैं बाद में 32, है ना। तो सुनो अब दांत के बारे में सुनो, जब भी कभी दांत के बारे में आए तो दांत के इस तरीके से दांत रखना, हमारे कुछ पार्ट ऐसे ही होता दांत, तो दांत का जो निचला वाला पार्ट होता है ये कहलाती है तुम्हारे रूट जड़, थोड़ा सा इसके ऊपर वाला पार्ट जो आप कह सकते हो मसूड़ों में दबा हुआ रहता है ये कहलाती तुम्हारी नेट, और सबसे ऊपर वाला पार्ट दांत का जिसे आप लोग देखते हो धड़कने इसे बोला जाता है क्राउन। तो दांत के 3 पार्ट होते हैं, ऊपर से नीचे का कोई पूछे तो क्राउन, नेट और रूट बताना है, सभी पार्ट हो जाएंगे, और इनमें से कौन सा पार्ट आप देख पाते हो यानी विजिबल पार्ट कौन सा है, धड़कना विजिबल पार्ट जो है वो क्राउन है, क्राउन स्टार विजिबल पोर्शन होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मंडे से सारी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्त,
सारे मिलना शुरू हो जाएगी। बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल क्षेत्र, बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर है? बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर है? फटाफट जल्दी बताइए फटाफट। यस वेरी गुड वेरी गुड। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कोई पूछे कि कब स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग डेट आपको याद होनी चाहिए 8 अप्रैल 1956 और चली तब से थी 1956 तक चली थी दारफेरा, और इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि एग्रीकल्चर। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई है, मैंने आपको बता रखा है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से तब तक चली है? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चली है, आपको ये याद होना चाहिए। आंसर जो है एग्रीकल्चर के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यस चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? बताइए पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? फटाफट जल्दी बताइए। अच्छा दोस्त मेरे, मैं एक काम कर रहा था, मुझे एक बहुत सही आइडिया दिया था एक बच्चे ने, उसने ये कहा था कि सर एक काम करो कि हर संडे आप एक ऐसा दिन निकालो या एक ऐसा टाइम निकालो संडे के दिन, आप मुझे टाइम बता देना कि आप सब लोग बच्चों से बात कर सको। तो मैंने सोचा कि संडे को हम लोग आधे घंटे का या 30 मिनट का कुछ ऐसा समय निकालते हैं कि हम लोग आपसे बात कर सके। बात करने का मतलब है कि मैं आपको ये बता सकूं कि हाँ अब आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, या फिर आपको जो कमजोर पोर्शन है वो मुझे आप बता सको। तो मैं इस चीज को, हो सकता है कि कल से अप्लाई करने वाला हूं, तो कल से मैं आधा घंटा या 15 मिनट की आपसे बातचीत जरूर करूंगा, है ना। क्लास में रेगुलर समय नहीं मिल पाता बहुत सारी चीजों का, ताकि हमें ये पता चल सके कि हाँ भाई आपकी क्या दिक्कत है, और सब लोग आइए और सब लोग अपना सजेशन दीजिए और सबका क्या टॉपिक कमजोर है बताइए, ताकि हम अगले हफ्ते की प्लानिंग उसी हिसाब से कर सके। ओके तो बताइए ये बात सही की गलत है, जल्दी बताइए ना। बताइए पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो आंसर जाएगा योजना आयोग के साथ। योजना आयोग की स्थापना कई बार पूछी जाती है, योजना आयोग की जो स्थापना है, पहले मुझे ये बता दीजिए योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो अंतिम जो प्रारूप अनुमोदित करता है वो योजना आयोग करता है, हालांकि इसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी भी भैया आप लोगों को स्थापना याद होना ही चाहिए हर हाल में। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी, 6 अगस्त 1952 डेट याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग बताओ मैंने जो आपको बात बोली वो सही थी गलत है, मतलब सिर्फ आप 15 मिनट के लिए मेरे पास आइए, ताकि हम लोग ये समझ सके। देखो भाई 3 महीना बचा है, बड़बड़ाई में नहीं, किसी तरह की जल्दीबाजी नहीं करेंगे, कायदे में पकड़ेंगे और हर प्लानिंग को इतना बेहतर बनाएंगे कि कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है, मेरे हिसाब से अगर मेरी क्लास में 100 बच्चा पढ़ रहा है तो मैं चाहूंगा कि 100 में से 100 बच्चे का भी 70 प्लस स्कोर तो हो, मतलब मैं 70 प्लस स्कोर लाने की पूरी जिम्मेदारी कह सकता हूं लेता हूं और पूरी तरह से निभाएंगे भी। लेकिन उसके लिए हमें हर हफ्ते एक मीटिंग रखनी पड़ेगी, हमारी भी होती है। मैंने सोचा है कि हर हफ्ते जो है मैं है या राहुल सर है मिलके एक बार जरूर आपकी मीटिंग जरूर ले ली। ओके चलिए बताइए ना, सही दिलाते है ना। बताइए योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ये तो मैंने अभी बताया सर, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। डेट याद रखिए ना, डेट कई बार पूछ लेता है इसलिए गलत नहीं करना डेट कभी भी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए इसका आंसर। आप लोग जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो उसके नीचे भी मुझे कमेंट रेट बताइएगा, क्योंकि आज सैटरडे है और कल हमारा संडे है, और थोड़ा टाइमिंग भी आप हो सके तो लाइन में एक बार टाइम भी कमेंट रेट बताइएगा कि आप लोग टाइम क्या रखना चाहते हो, जिसमें ज्यादा तल्लोड आ जाए, है ना। शाम क्या रखना चाहते हो, सुबह रखना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि सब लोग आओ, हम लोग देखिए नहीं कि हाँ हम 3 महीने तक क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, तैयारी कैसी चल रही है। वह कौन सी नदी है जिस पर इंदिरा गांधी नहर कह सकते हो यह बनाई गई थी? इंदिरा गांधी नहर के बारे में ध्यान रखना, इसका उद्घाटन 1958 में हुआ था, लेकिन इसका नाम बदलकर इंदिरा नहर 1984 में दिया। दोनों डेट याद रखना, 1958 में उद्घाटन हुआ था और 84 में नाम बदला था। अब सतलज और व्यास दो नदियों का नाम याद रखिएगा, सतलज और व्यास ये दोनों नदी मिलकर इंदिरा नहर बनाते हैं। इंदिरा नहर
राजस्थान की जीवन रेखा भी कहलाती है। राजस्थान की जीवन रेखा बताइए किस नहर को कहते हैं? इंदिरा नहर को कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर। भारत का निजी बंदरगाह कौन सा है? इनमें से कौन हमारा भारत का निजी बंदरगाह है, बताइए जल्दी से। संडे की बात हो रही है, संडे में बस 5-10 मिनट मेरे पास आइए ताकि मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं बहुत सारी चीजें, है कि नहीं? आना, चलो बताओ। ओके, थोड़ा एक बार सब लोग सेशन को शेयर कर दो भाई, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, जल्दी बताइए। तो कांडला, मैंगलोर, एन्नौर और हल्दिया, इनमें से दारतना अगर पूछे तो ही बताइए कि प्राइवेट बंदरगाह कौन है? एन्नौर है। एन्नौर का वैसे नाम सुनते भी नहीं होगे जब आप लोग वो 14 बंदरगाह पढ़ते हो। ये कहां पड़ता है सर? ये चेन्नई में पड़ता है, चेन्नई में थानाशेरा। ये एक प्राइवेट बंदरगाह है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए भारत का कौन सा अभयारण्य गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? आप इनमें से बताइए कौन सा अभयारण्य है गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, बताइए, है ना। आपको पता है गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए, जो कि हमारा गुजरात में है। काजीरंगा, बिल्कुल, जो काजीरंगा है ना वो दारतना भारतीय गेंडों के लिए फेमस है। काजीरंगा असम में है। अच्छा, जिम कार्बेट का नाम, जो कि उत्तराखंड में नाम बदल चुका है जिम कार्बेट का, ठीक है, तो इसका नाम हो चुका है रामडंडा, रामडंडा नेशनल पार्क। जिम कार्बेट का नाम बदल के रामडंडा नेशनल पार्क कर दिया गया, याद रखिएगा, उत्तराखंड में। मेरे सही आंसर काजीरंगा जाएगा असम के साथ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, बताइए थोड़ा एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए भाई, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट जल्दी लाइक कर दीजिए। बताइए भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताए, बताइए इनको भारत रत्न कब मिला था, बताइए एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न का अवार्ड कब मिला था, फटाफट जल्दी बताइए। अच्छा, भारत रत्न भी बताइए और इसके साथ साथ इनको और भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, है ना। 1981 याद रखना है इनके लिए, 1981 याद रखना है, 1990 याद रखना है और 1997 याद रखना है। ये तीन सन याद रखने, 81 में दारतना इनको पद्म भूषण मिला था, 90 में पद्म विभूषण मिला था अब्दुल कलाम जी को, और 97 में दारतना भारत रत्न मिल चुका है। ये तीन डेट आप लोगों को याद रखनी है। सही आंसर जो है 1997 जाएगा, ओके। अच्छा, किसी ने 1905 भी दिया था क्या अभिनंदन? कौन है भैया 1905 देने वाला, बताओ जरा। 1905 में भारत रत्न आया था, कोई लोग कौन है दे रहा था 1905, बताओ जरा उसका नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन हमारा सही है, बताइए इसका आंसर दीजिए। ओके, थोड़ा एक बार सब लोग लाइक करते रहिए भाई, बताइए इसका आंसर। आकाश के नीला दिखने का प्रकाश का प्रकीर्ण है, पहला पार्ट है। इंद्रधनुष 7 रंगों का है, वो भी प्रकाश का प्रकीर्ण है। और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखता है, उसका कारण भी प्रकाश का प्रकीर्ण है। आपको बताना है इनमें से कौन हमारा सही है। पहली बात तो इंद्रधनुष प्रकाश के प्रकीर्ण से नहीं मिलता, टोटली गलत है। इंद्रधनुष मिलता है आपका डिस्पर्शन से, वर्ण विक्षेपण से, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण से मिलता है, थोड़ा सा प्रभाव इसमें TIR का भी होता है, याद रखिएगा। तो ये टोटली गलत है। बाकी आकाश जो नीला दिखाई देता है वो प्रकाश का प्रकीर्ण है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि धुएं का जब प्रकीर्ण करते हैं तो वो हल्का सा नीला ही होता है। ये पार्ट भी सही है और कहीं ना कहीं तीसरा वाला पार्ट भी सही है। क्यों सही है तीसरा वाला पार्ट? इसलिए दोस्त सही है क्योंकि आपको पता है कि लाल रंग का प्रकीर्ण बहुत कम होता है ना। तभी तो देखिए सूर्योदय आपको समय लाल दिखाई देता और सूर्यास्त के समय भी लाल दिखाई देता। क्यों? क्योंकि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य बहुत दूर होता है, तो बहुत दूर से जब आएगा तो लाल रंग का प्रकाश जो है या उसका प्रकीर्ण सबसे कम होगा तो लाल दिखाई देगा। बाकी अन्य रंगों का प्रकीर्ण हो जाता है तो वो नहीं दिखाई देते। तो सही आंसर पहला और तीसरा जाएगा, दूसरा गलत है। पहला और तीसरा का कोई आंसर है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्त। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, बताइए इसका आंसर बताइए बताइए। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताजा रखने के लिए कितना टेम्परेचर यूज करते हैं? मैं आज रेफ्रिजरेटर के देखो कुछ पॉइंट आपको क्लियर करा दूं, बहुत दिनों से नहीं कहा है। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी फ्रिज है, तो आपको मैं बता दूं फ्रिज के आप कभी पीछे देखो तो ऐसे ऐसे कॉइल लगी होती है ना, लगी होती ना फ्रिज के, यहां पर एक काला काला बॉक्स लटका होता है फ्रिज के पीछे, ये जो काला काला बॉक्स होता है इसका नाम होता है कॉम्प्रेसर, कॉम्प्रेसर। और फ्रिज के पीछे ये जो कुंडली लगी होती है, जो क्वाइल लगी होती है, इस क्वाइल का नाम होता है कंडेंसर क्वाइल, कंडेंसर क्वाइल। कंडेंसर क्वाइल किस मटेरियल की बनाई जाती है? तो दरखना ये बनाई जाती है कॉपर की, और साथ साथ दरखना ये वो क्वाइल होती है जिसका टेम्परेचर हाई होता है। कई बार आता है कि फ्रिज के पीछे किस क्वाइल का टेम्परेचर हाई होता है? कंडेंसर क्वाइल। लेकिन फ्रिज के अंदर कौन सी क्वाइल लगी होती है? तो दरखना फ्रिज के अंदर लगी होती है इवापोरेटर क्वाइल। और दोस्त मेरे, इवापोरेटर क्वाइल भी तुम्हारी जो बनती है वो कॉपर की बनी होती है, और इवापोरेटर क्वाइल चूंकि फ्रिज के अंदर है इसलिए उसका टेम्परेचर कम होता है। बताइए यदि बात सबको समझ आ रही ना। रही बात खाने की, खाना बताइए कितने टेम्परेचर पे सुरक्षित बना रहता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको बताना है। रोटी अगर आपने 4 से कम कह दिया, ठीक है, तो फिर हमारा खाने के अंदर जो भी पानी है वो जमने भी लगेगा, है ना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसको पढ़िए, ये भी देखिए कितना प्यारा सा सवाल है, जल्दी से पढ़िए फिर सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। मैं पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूं आप लोगों को, पढ़िए बताइए। इन्होंने कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है भैया, मैं पढ़ता हूं ध्यान से सुनो आंसर, ध्यान से दीजिएगा। ओके, थोड़ा एक बार लाइक करते रहिए भाई, जिन्होंने तो सेशन शेयर नहीं किया जल्दी शेयर करते रहिए। चलो बताओ, यदि फ्रीजर में बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभावित होता है। मैं आपको पहले बताता हूं, अगर कई बार ऐसा भी होता होगा कि ठंडी के दिनों में, कई बार ऐसा होता होगा ठंडी के दिनों में आप देखते होंगे आपके फ्रिज के अंदर बहुत सारी बर्फ जम जाती है, तो दरअसल बर्फ जम जाती है, तो अगर अन्य वहां पर कोई टुकड़ा रखा जाए या अन्य पानी का ग्लास रखा जाए, अन्य पानी के ग्लास में किसी भी तरह क्या बर्फ फिर जमने में बहुत देरी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ जो है वो दरअसल एक दुर्बल चालक होती है, यानी बर्फ जो है ऊष्मा का नॉन कंडक्टर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बर्फ ऊष्मा की नॉन कंडक्टर होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। सर दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसको आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए, जल्दी पढ़िए बताइए, ध्यान से पढ़ना भैया ये सारे पार्ट, 1 2 3 4 चार पार्ट है, और चार पार्टों में बताना है कौन सा पार्ट तुम्हारा सही है। कुछ चीजें और आपको पता चलेगी, देखिएगा ठीक है, देखते जाइए। थोड़ा एक बार लाइक कर दो दोस्त, बताइए जल्दी से। हृदय अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति उत्पन्न करता है। दूसरा लिखा है ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। ये तो गलत है, ये गलत है। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा गैस में नहीं होती, ध्वनि गति सबसे ज्यादा ठोस में होती है। ये गलत है, सब गलत है, ये गलत है। आगे देखिएगा, ये मैक नंबर ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए नहीं, सर गलत है। मैक नंबर से ध्वनि की गति वर्णित नहीं होती, वायुयान की चाल है, वायुयान की चाल वर्णित होती है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो दूसरा तीसरा गलत हो गया, दूसरा तीसरा गलत है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यानी हृदय में अपश्रव्य तरंगें होती हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अपराश्रव्य तरंगें 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती, 3 तरंगें होती हैं, एक होती तुम्हारी अपश्रव्य, और अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, एक होती है श्रव्य, एक होती है श्रव्य, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती है और 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, और एक तीसरी होती है दरअसल पराश्रव्य, और पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति
20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है। तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जाएगा, पहला और चौथा। हाँ बिल्कुल, इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 31 नंबर बताइए, निम्नलिखित में किस तरंग, किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक है, वेवलेंथ सबसे अधिक बोला जा रहा है, बताइए किसकी वेवलेंथ सबसे अधिक है। ये सब हमारे पता क्या लिखे हैं, ये सब लिखे हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और कोई पूछे कि बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज किसने की थी, तो आपका जवाब जाएगा मैक्सवेल ने, मैक्सवेल। ओके, और क्रम याद रखिए भैया, ऊपर से क्रम आता है गामा रेज, गामा रेज के बाद आता है दोस्त एक्स रेज, फिर यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, फिर आता है विजिबल, विजिबल, आई से आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड ना, फिर तुम्हारा आएगा माइक्रोवेव, फिर तुम्हारा आएगा रेडियो वेव, रेडियो वेव। बोलिए याद है ना सबको, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य इसकी होती है और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य रेडियो वेव की होती है, ये होता है तरंग दैर्ध्य। अब देख लो क्या सही है, इन्होंने बोला सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेडियो वेव की हो जाएगी, तो सही आंसर जो है रेडियो वेव चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताइए सही है सबका भैया, बताइए जल्दी से। रेडियो वेव, यस रेडियो वेव इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, बस वेरी गुड। चलो सबको समझ आ जाना, किसी तरह का कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए थर्म किसकी यूनिट है, इसको बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 बताइए थर्म किसकी यूनिट है। तो थर्म की जब भी कभी बात आएगी तो थर्म याद रखना एक हीट की यूनिट होती है, लेकिन अपने इंडिया में नहीं यूज की जाती, ये हमारी कह सकते हो बाहर यूज की जाती है, थर्म हीट की यूनिट होती है। तो डायरेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, है ना। लाइट सत्ती दूरी, इससे कोई लॉजिक ही नहीं है यार, सिर्फ हीट आपको याद रखना है 32 डब्बी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए जब पानी जम जाता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, बताओ जब पानी जम जाता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है। मैंने कहा कि मेरे पास पानी है, जल है, मैंने इसको फ्रिज में रखा और बर्फ में जमा दिया, तो डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जल की डेंसिटी 1000 होती है और बर्फ की डेंसिटी 900, इसका मतलब डेंसिटी तुम्हारी घट जाएगी अगर जल से बर्फ बनेगा, तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन वॉल्यूम में पूछा जाता, देखो यार एकदम गदोट की तरह आंसर देते हो यार कभी कभी, है कुछ लोग ए बता रहे हैं, अगर यही क्वेश्चन वॉल्यूम का पूछा जाता तो वॉल्यूम बढ़ जाता, ठीक है। तो जब हमारा जल बर्फ बनता है तो वो फैलता है, यानी वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी घटती है, तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जाएगा। सही ढंग से आंसर दीजिए कायदे में, ठीक है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नाखून में बताइए क्या होता है या कौन सा प्रोटीन होता है, बताइए मानव के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो मानव के नाखून में पूछा जाए, बाल में पूछा जाए, हैं बैल गाय के सीन में पूछा जाए, खुर में पूछा जाए, तो आपको एक ही आंसर देना है कैराटीन। कैराटीन प्रोटीन जो है ज्यादातर पाया जाता है एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम में, एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम यानी बाह्य कंकाल तंत्र में दारखना, बाह्य कंकाल तंत्र में दारखना ये पाया जाता है बाह्य कंकाल तंत्र में। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बताओ ब्लड में आरबीसी की वृद्धि से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है या कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, बताइए ब्लड में अगर आरबीसी की वृद्धि हो जाए, आरबीसी की वृद्धि हो जाए, हीमोफिलिया, अनीमिया, ल्यूकेमिया, अनीमिया, नहीं भैया इसमें से एक आंसर जो है ना मिस कर दिया, मैं सही कर देता हूं। आरबीसी की वृद्धि होने से जो बीमारी होती है उसका नाम होता है, आरबीसी की वृद्धि होने से बीमारी होती है उसका नाम होता है पॉलीसिथेमिया, पॉलीसिथेमिया। मैं आपको बताता हूं, देखो अगर आरबीसी की वृद्धि होती है, अगर आरबीसी की वृद्धि होती है
उदारतना बीमारी का नाम होता है पॉलीसिथेमिया। अगर आरबीसी की कमी होती है तो बीमारी का नाम होता है एनीमिया, एनीमिया कह दो, या फिर आप इसको कई बार जो है एक और बीमारी भी होती है पीलिया भी होता है आरबीसी की कमी से, है ना। डब्ल्यूबीसी की वृद्धि होती है तो ल्यूकेमिया होता है, ल्यूटेमिया, ल्यूटेमिया को आप ब्लड कैंसर भी कहते हो, ल्यूटेमिया डब्ल्यूबीसी की वृद्धि से होता है ब्लड कैंसर। और अगर तुम्हारी डब्ल्यूबीसी की कमी होती है अपना होता है ल्यूटेपिनिया, ल्यूटेपिनिया। ये चार वृद्धि और कमी वाले आंसर याद रखिएगा, पॉलीसिथेमिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, बताइए शराब को बताइए, अगर शराब जो है हमारी विषहीन या विष वाली है, जहरीली शराब है, तो उसमें क्या होता है ना। तो जब भी तभी आपको जहरीलापन दिखाई दे, वैसे नॉर्मली जो आपकी दारू होती है वो एथिल अल्कोहल की होती है, लेकिन अगर एथिल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल की मात्रा मिली हुई हो, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल जहरीला होता है, तो धारणा शराब जहरीली हो जाएगी। तो शराब के जहरीले होने के लिए आपको मिथाइल अल्कोहल उसमें होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका आंसर, बी मत दीजिए। इन्होंने क्या पूछा है, शराब की विषता यानी जो पॉइजन है वो किस उपस्थिति के कारण होता है। तो शराब तो एथिल अल्कोहल है नो डाउट, लेकिन अगर वो जहरीली है पॉइजन वाली है तो उपस्थिति होगी मिथाइल अल्कोहल की, ऑप्शन नंबर ए बताइए इसका आंसर। ग्राम स्थिति से चलने वाली एक कार 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से गति करती है, तो तुम्हें यह बताना है कि 5/5 सही 1/3 सेकेंड में उसके द्वारा चली गई दूरी को बताना है कितनी दूरी होगी, ठीक है। ठीक है तो बताइए, पहले विराम स्थिति है ना, विराम स्थिति का मतलब प्रारंभिक वेलोसिटी 0, तो s बराबर बताइए क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यूटी से मुझे मतलब नहीं, हाफ ए टी वैल्यू उन्होंने दे रखी 9 और समय है 5/1/3 सेकेंड, 15/16/3 सेकेंड भी लिखा जा सकता है भाई, 5/1/3 तो 16/3 स्क्वायर क्या हो गए, तो 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256 और 3 का स्क्वायर 9, तो मेरे भैया 9 से 9 उड़ा दो और 256/2 करोगे तो आंसर जाएगा 128 मीटर के साथ। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर मैंने लगाया तो है, लेकिन यू को जीरो किया है, यू जीरो है तो सारा का सारा खेल खत्म है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए कोबाल्ट ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, इंपॉर्टेंट कर लो याले क्वेश्चन को, याले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बताइए कोबाल्ट ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ठीक है। और टाइमिंग आज के वीडियो जैसे ही खत्म होगा सब लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि हम लोग संडे की टाइमिंग क्या रखें, एक मीटिंग जरूर करेंगे भाई हर संडे, भले ही चाहे 15-20 मिनट की हो, आप आइए बताइए ताकि मैं आपके साथ मिलकर ये डिसाइड कर सकूं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और मुझे किस लेवल की और करानी है, समझे नहीं समझे। तो आज टाइमिंग बता दीजिएगा और ये काम हम लोग कल संडे से करेंगे, है। चलिए कोबाल्ट ऑक्साइड की बात करेंगे, तो दरअसल जो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है उसका कलर नीला होता है, और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कांच का कलर नीला किस वजह से होता है, कह देना कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, ओके। ये याद रखिए ना, कोबाल्ट ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है भैया, ब्लू। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए 39 नंबर, निम्न में से सबसे पहला कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व क्या था, बताइए। देखो बहुत सारे तत्व ऐसे भी होते हैं जो हम प्रकृति से पाते हैं, और बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जिनको हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला कृत्रिम रूप वाला जो तत्व है उसका नाम है टेक्टिनियम। तो टेक्टिनियम का नाम जरूर याद रखिएगा, ये पहला आर्टिफिशियल हमारा कह सकते हो तत्व है, एलिमेंट है। धन्यवाद धन्यवाद अश्वपति जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। चलो इसका आंसर दीजिए, ये देखिए कितना प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल, हिस्ट्री तो मैं बहुत पहले इस तरह के सवालों की बता चुका हूं आप लोगों को, कई बार बताता हूं है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी तुमसे नंबर ऑफ इमेज पूछी जाए तो तुम्हें 360/θ निकालना है पहले। अब 360/θ यदि सम संख्या है तो नंबर ऑफ इमेज n-1 बताना,
अगर 360 बटे थीटा तुम्हारी विषम संख्या है तो नंबर ऑफ इमेज n बताना, n बोला है मैंने इसको। और यदि ये कुछ ऐसी संख्या आ जा रही है जो दशमलव में है, 20.33 है मान लीजिए, तो जो 20.33 है बस का पूर्णांक ले लेना, पूर्णांक हो जाएगा भैया 20, तो नंबर ऑफ इमेज 20 बताना। ये तीन पॉसिबिलिटी हर बंदे को याद होनी चाहिए। अब इन्होंने देखो 20 का एंगल कितना बोला है, सर 24 डिग्री बोला है। ए, तो 360 डिवाइड बाई 24 कर दो। अगर 360 डिवाइड बाई 24 करेंगे तो 12 से कैंसिल कर दीजिए, 12 दूनी 24 और 12 थी 36, 30 30 बटे 2 15। अब 15 क्या है सर, सर 15 एक विषम संख्या है, विषम संख्या में नंबर ऑफ इमेज आपको n ही बतानी है, मतलब आंसर जो सही जा रहा वो 15 के साथ जा रहा, 15 मेरा राइट आंसर है भैया। देखो सबका आंसर आ गया, क्या बात है। ओके यार सब लोग पहले एक बार सेशन को शेयर कर दो ताकि जल्दी से ये जो ना 70-80 का आंकड़ा है ये पूरे 100 हो जाए। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 41वां नंबर बताइए। निम्न में से किसे विटामिन B7 के नाम से जाना जाता है। ओके बताइए निम्न में से किसे विटामिन B7 के नाम से जाना जाता है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। ये सारे हमारे केमिकल नेम लिखे हैं विटामिन के, जैसे कि रेटिनॉल ये विटामिन ए का केमिकल नेम है, विटामिन ए। थायमीन, सर थायमीन है विटामिन B1। राइबोफ्लेमिन, सर विटामिन B2 ना। लेकिन जो लास्ट वाला लिखा ना बायोटीन, याद रखिए ना बायोटीन, बायोटीन कहो या फिर विटामिन एच कहो, ये सब के सब हमारे विटामिन B7 के नाम होते हैं, बायोटीन विटामिन एच। बोलो तो क्या आंसर बताइए, कौन से जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। हाँ बिल्कुल 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 स्वयं एकदम सही तुम बता रहे हो, बताइए 42 नंबर बताइए। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रकाश के लिए गलत है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लाइट के लिए गलत है, फटाफट जल्दी पढ़िए बताइए। निम्नलिखित में कौन सा कथन लाइट की गलत है, सर 2 PM नहीं मेरी कोचिंग होती है, 2 बजे की संस्कृत की क्लास होती है। बावली संस्कृत पढ़ने जाते हो, वाह भाई वाह बहुत सही, एक बार लाइक कर दो दोस्त। बताइए प्रकाश के बारे में, यह ध्वनि की गति से भी तेज चलता है, अरे क्या फालतू बकवास कर रहा हो, ध्वनि और प्रकाश में प्रकाश तेज चलता है, ध्वनि कहां से तेज चल जाएगा, तो बोला जा रहा है यह ध्वनि की गति से, अच्छा 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 सॉरी सॉरी गलत बोला जा रहा है, हाँ ठीक है ये सही है, ये सही है स्टेटमेंट, ये ट्रू है, ये ट्रू है, यह ध्वनि की गति से तेज चलता है, सही है। यह निर्वात से गुजर सकता है, सर यह भी सही है, प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है, एकदम सही है। यह निर्वात से नहीं गुजर सकता, हाँ सर यह गलत है, प्रकाश जो है लाइट जो है निर्वात से गुजर सकती है ना, निर्वात से गुजरने वाली पता है कौन कौन है, एक तो लाइट याद रखो, लाइट हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जो ध्यान रखना निर्वात में यानी वैक्यूम में चल सकती हैं, वैक्यूम में, हमेशा इस बात को ध्यान रखना ध्वनि वैक्यूम में नहीं चलती, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने गलत बोली और इन्होंने गलत वाला पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लगाना दोस्त। चलो बताओ पावर का MTS यूनिट बताओ जल्दी से, पावर की MTS यूनिट बताइए जल्दी से फटाफट क्या है, चलिए बताइए। सर आपने कहा था संडे को लाइट वाला चैप्टर की मैराथन लेने के लिए, हाँ दोस्त लाइट वाले चैप्टर की मैराथन होगी, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग वो भी तो पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं मीटिंग भी करेंगे ना। पावर की बात कर लेते हैं, तो पावर का आपको पता है कि मात्रक जो होता है वो क्या होता है, सर पावर का मात्रक होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सर पावर का फॉर्मूला होता है F into V, एक फॉर्मूला ये होता है पावर का, पावर का फॉर्मूला होता है F into V, ठीक है ना। अब पावर का फॉर्मूला F into V है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो किसके साथ, इन्होंने MTS के बारे में पूछा है, तो किलोग्राम हो जाएगा यहां पर मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी लगाना भैया, ऑप्शन नंबर सी लगाना। अब देखो SI नहीं कह रहा, MTS कह रहा है, MTS में फोर्स को हम लोग लेते हैं किलोग्राम फोर्स में, ध्यान रखना MTS को MTS में फोर्स को लिया जाता है किलोग्राम फोर्स में और मीटर पर सेकेंड,
पावर का एक फॉर्मूला ये भी होता है F into V, और कहां से आ जा रहा है मैं पूछूं कोई, तो कहना W बटे T सुना है, W का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो टाइम होता है दोस्त वो तुम्हारा बन जाएगा वेलोसिटी, जिसकी वजह से फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स जनरेट किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड। अच्छा मीटर पर सेकेंड है ना, अरे मीटर पर सेकेंड है तो ये कहां से सही हो जाएगा यार, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यहां प्लस कर लेना यार, प्लस कर लेना यहां, प्लस कर लेना ऑप्शन नंबर सी तो सही कर लेना, मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है इसको सही कर लीजिएगा। और अगर ये ऐसा ही बोला गया होता, अगर ये ऐसा ही बोला गया होता तो किलोग्राम की जगह आपको क्या लेना पड़ता, न्यूटन, और फिर मीटर पर सेकेंड लगाना पड़ता, और न्यूटन को फिर और फर्दर खोलना पड़ता हमें, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए एक परिवार एक महीने में 136 यूनिट बिजली की खपत करता है, तो बताना है आप लोगों को जून में यह ऊर्जा कितनी होगी, बताइए बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि एट, मैंने कल भी बताया था कि एट यूनिट में 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है, एक यूनिट में 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। अब तुमने किसने पूछा है, सर 136 में पूछा है, तो जब तुम यहां 136 यूनिट लोडे तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 में 136 का मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 3.6 गुणे 136 गुणे 10 की पावर 6 कर दो है ना, तो जब ये मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो आपका जो लगभग आंसर आएगा वो 4.8 गुणे 10 की पावर 8 जूल के आसपास आएगा। आप यकीन ना हो तो कल्ट देख लीजिए ना, क्योंकि आप थोड़ा अंदाजा लगाओ ना, 13.39 या फिर आप दशमलव इसको दे दो 3.6 गुणे 1.36 गुणे 10 की पावर 8 कर दो इसको, और 3.6 गुणे 1.36 कितना आएगा, ये डेढ़ गुणे के आसपास है, 4.8 आएगा, आप देख लीजिए चाहे, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करा लीजिए ना, लेकिन इसका आंसर बताइए, एक मोटर बोट 12 मीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करती है, और उस पर बताइए कितने न्यूटन का बल लगता है, सर उस पर लगता है 50 न्यूटन का बल, बताओ। तो नाव की तुम्हें शक्ति बतानी है कि नाव की शक्ति कितनी होनी चाहिए, बताओ। तो पावर के दो फॉर्मूले मैंने हमेशा बताए, एक फॉर्मूला तो W बटे T हमेशा याद रखो दोस्त, और दूसरा फॉर्मूला पावर का याद रखो F into V, ये याद रखो F into V, ठीक है। तो F into V लगाओ ना यहां पर, तो 50 और गुणे V कितना हो जाएगा सर, 12, तो 50 और 12 का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 600 वाट इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ओके। चलो तो भाई मेरे सबको बात समझ में आ रही ना, किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। बाकी मैं आज जो है टाइमिंग डिस्कस करके एक बार आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं 5-10 मिनट लिए लाइव जरूर आए, ताकि हम लोग आपसे बात भी कर सके और ये जानने की कोशिश कर सके कि आप लोगों का कौन कौन सा सब्जेक्ट छूटा हुआ है या क्या क्या सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, ये सारी जानकारी हम लोग उस मीटिंग में लेंगे, 5-10 मिनट 20 मिनट जितना भी आप चाहोगे है ना, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी आप अपनी तैयारी को थोड़ा बेहतर बनाते रहिए, इस बात को याद रखिए, किसी भी तरह का कोई भी वो हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, मैं कई बार नंबर बता भी चुका हूं आप लोगों को, है ना। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछना हो आप भेजिए, उसका सलूशन भी मिलेगा, ओके। और नीचे भाई सब लोग कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप सब लोगों को सेशन कैसा लगा, और कमेंट करके टाइमिंग भी बताइए, है ना। लाइट वाला भी कमेंट कर दो, अगर आप कल लाइट की क्लास चाहते हो, कल आप ऑप्टिक्स की क्लास चाहते हो, और ऑप्टिक्स की क्लास में क्या चाहते हो, थ्योरी पढ़ना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हो, या फिर दोनों पढ़ना चाहते हो, यानी थ्योरी ऑब्जेक्टिव या फिर दोनों, दो भी जो भी आपको पढ़ना है वो भी नीचे आप कमेंट कर दो, तो उसी हिसाब से मैं कल संडे की प्लान कर लेता हूं क्लास, ओके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि क्लास कैसी चल रही है, ताकि मजा आ जाए, है ना। चलिए मुन्ना बाय बाय, मुन्ना कुमार बाय बाय, ओके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए दोस्त, ठीक है। अच्छा कल शाम की क्लास नहीं चल पाई थी शाम वाली, तो आज वो चलेगी। चलिए धन्यवाद।